हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, फोर्थ यूनिट हमारी चल रही है वर्क पावर एंड एनर्जी, वहीं का ये टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी किसे बोलते हैं और पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप की होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ हम यहाँ पर करेंगे, उसकी डेरिवेशन करेंगे, और ऐसे ही हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की भी डेरिवेशन यहाँ पे आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बच्चों आपको यही पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल एनर्जी है क्या बेसिकली? तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चा पार्टी क्या है कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजिशन और कॉन्फिग्रेशन। कि अगर किसी बॉडी की पोजिशन चेंज हो किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, किसी पर्टिकुलर फोर्स की जो फील्ड है उसके अंदर, उससे जो उसके अंदर एनर्जी आई, या किसी चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से जो एनर्जी आती है। कॉन्फ़िगरेशन मतलब किसी चीज़ को मैंने एक्सपेंड किया या कंप्रेस किया, जैसे कोई स्प्रिंग है उसको एक्सपेंड या कंप्रेस करने से उसमें जो एनर्जी आई, दैट इज़ कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से अगर मैं किसी चीज़ की पोजीशन चेंज करता हूँ किसी पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे ये मार्कर है इस टाइम ये धरती की ग्रेविटी के अंदर है, ग्रेविटेशनल फील्ड में है। अगर धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड में मैं इसकी पोजीशन चेंज करता हूँ तो उससे भी इसके अंदर क्या आ जाएगी बच्चों? एनर्जी आ जाएगी, जिसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो आई होप पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन तो सबको क्लियर हो गई। पोजीशन चेंज होने से या कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने से जो एनर्जी आती है उसे बोलते हैं बच्चों पोटेंशियल एनर्जी। कुछ एग्जांपल्स देता हूं देखो आपको। पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगा चेंज इन पोजीशन के चेंज इन पोजीशन के ऐसे कुछ एग्जांपल्स जिनमें पोजीशंस का चेंज होना, कि पोजीशन के चेंज होने से एनर्जी आए, ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको देने वाला हूँ। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों कि इफ़ देर इज़ ए बॉल विच इज़ केप्ट ओवर ए रूफ़, कि एक बॉल है जो से आपने एक छत पे रखा हुआ है, ए बॉल केप्ट ओवर अ रूफ़, तो उसके पास एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ये ग्राउंड है हमारा अर्थ सरफेस, और ये एक बिल्डिंग है, ठीक है बच्चों, और इस बिल्डिंग में टॉप पे यहाँ पे एक फुटबॉल रखी है, ठीक। तो इस टाइम पे बच्चों ये फुटबॉल धरती के सरफेस से h हाइट पे है, तो इस टाइम इसके पास इसकी पोजीशन धरती के सरफेस की विद रिस्पेक्ट में कितनी ऊपर है? h हाइट ऊपर है। तो इस पोजीशन के चेंज से इसमें क्या आ गई है इस टाइम पे? पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। अगर इस फुटबॉल को मैं यहाँ ले आऊँ और छोड़ दूं तो आप देखोगे कि ये फुटबॉल किस में आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। और मैं कह सकता हूं कि जब मैं ये यहाँ पे थी छत पे, तो इसके पास कौन सी एनर्जी थी बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही मैं इसको छत पे से ऐसे छोड़ूंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। मोशन में आ गई ना बॉल, तो पोटेंशियल एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, तभी बॉल नीचे आते आते मोशन में आई है। तो एक बेस्ट एग्जांपल है ये दिखाने का कि अगर किसी चीज़ को मैं पर्टिकुलर हाइट पे रखता हूँ तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। इसी तरह से आपने देखा होगा बच्चों डैम में, डैम में क्या किया जाता है? एक बहुत बड़ा बांध बनाया जाता है, डैम बेसिकली बांध, उसमें क्या करते हैं? पानी को रोक लिया जाता है ना, नदी का पानी आता है उसको रोक लिया जाता है। जब नदी के पानी को रोकेंगे तो उसका लेवल बढ़ जाएगा, तो नदी के पानी का लेवल जब बढ़ जाता है, ये धरती के सरफेस से h हाइट ऊपर तक चला गया ये लेवल, ठीक है, तो इस टाइम पानी के पास क्या आ जाती है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और इसी पोटेंशियल एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है। जैसे ही डैम के गेट ओपन करेंगे एकदम से पानी बहुत हाई स्पीड से नीचे की तरफ आएगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, जिससे यहाँ पे लगी हुई टर्बाइंस घूमेंगी, टर्बाइंस के घूमने से जनरेटर बिजली बनाएगा। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी थी पानी के अंदर? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हाइट चेंज करते हैं ग्रेविटी की विद रिस्पेक्ट में तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी बच्चों आ जाती है। तो पोजीशन चेंज करने से देखो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए। ऐसे ही अब मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा बच्चों जिनमें कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया जाता है। तो ये तो वो एग्जांपल्स थे जिसमें बच्चों हमने क्या चेंज की थी? पोजीशन। और अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम क्या चेंज करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे और तब जो एनर्जी आएगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो चेंज इन पोजीशन और इसके बाद आता है बच्चों चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। सो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, अब ये देखो बच्चों ध्यान से
जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं कंप्रेस करता हूँ या एक्सपेंड करता हूँ, जैसे कोई स्प्रिंग हो गया, ठीक है ना, तो उससे भी उसके अंदर क्या आती है, पोटेंशियल एनर्जी आती है। जैसे कि ये कोई स्प्रिंग है, नॉर्मल ये स्प्रिंग ऐसे था, लेकिन अगर मैं इस स्प्रिंग को दबा दूं, कंप्रेस कर दूं, इस तरह से क्या कर दूं, इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दूं, तो बच्चों इसके पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जैसे इसको मैं छोड़ूंगा, स्प्रिंग एकदम से आगे जाएगा, है ना। अगर मैं इसके आगे यहाँ पे कोई बॉल रख दूं तो क्या होगा, जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, स्प्रिंग ऐसे जाएगा, बॉल से टकराएगा और बॉल फायर हो जाएगी। तो जो बंदूक से गोली चलती है वो इसी प्रिंसिपल पे तो चलती है। जब हम बंदूक चलाते हैं तो उसमें क्या होता है, बंदूक के अंदर एक स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग को कंप्रेस किया जाता है और उसके आगे बुलेट रखी होती है। जैसे हम ट्रिगर दबाते हैं तो स्प्रिंग रिलीज हो जाता है, वो एकदम से आगे जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, स्प्रिंग जाके टकराता है बुलेट से और बुलेट आगे जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फिग्रेशन, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देता हूँ, धनुष। अब जब एक मैं धनुष लेता हूं, बो लेता हूं, ये मैंने एक धनुष बना दिया, एक प्यारा सा सुंदर सा धनुष हम यहां पे बना रहे हैं। तो धनुष में चलता कैसे है बच्चे, धनुष कि जब हम उसमें तीर लगाते हैं तो वो कैसे चलता है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जब आप उसमें तीर लगाते हो और उसको खींचते हो, तो खींचने से एक्सटेंशन कर रहे हो आप वायर में उसकी। जब एक्सटेंशन करते हो तो इसकी स्ट्रिंग में कौन सी एनर्जी आ जाती है बेटा, कॉन्फिग्रेशन चेंज होने से, एक्सटेंड होने से पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जैसे इसको छोड़ोगे तो तीर किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, पोटेंशियल एनर्जी का, किसकी वजह से, चेंज इन कॉन्फिग्रेशन की वजह से। तो आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल्स बच्चों यहां पे समझ आ गए होंगे। तो यहां तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है अब तक, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम बच्चों डिस्कस करेंगे इनका डेरिवेशन, ठीक है। और उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो चेंज इन पोजीशन है या चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है, उसके हिसाब से हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी तरह की है। तो मेनली बच्चों जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो तीन तरह की है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मेनली बच्चों कितनी तरह की है, तीन तरह की। पहले नंबर पर हमारे पास आती है बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका प्रूफ हम करने वाले हैं, प्लस वन में सिलेबस में है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरे नंबर पे बच्चों हमारे पास आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये भी हम, इसका भी प्रूफ आज हम करेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और तीसरे नंबर पे बच्चा पार्टी हमारे पास आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो पोटेंशियल एनर्जी को मेनली हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो दो हैं ये तो बच्चों हम अभी पढ़ लेंगे 11th क्लास में, आज की क्लास में ही डिस्कस हो जाएंगे आज की इस लेक्चर में। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ये बच्चों हम पढ़ते हैं 12th क्लास में, इसके ऊपर वैसे वीडियो बनी हुई है, जब आप 12th में जाओगे तो देख लेना, ठीक है ना। ये हम 12th में पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको एक अंदाजा दे देता हूँ इनकी डेफिनेशंस का, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, चेंज इन पोजिशन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब धरती की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसमें जो पोजीशन को हम चेंज करते हैं तो जो एनर्जी आती है उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब चेंज इन पोजीशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। कि जैसे ये मार्कर है बच्चों, अभी ये धरती से इतनी पोजीशन, धरती एक से एक पर्टिकुलर हाइट पे है तो इसके पास कुछ एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसकी पोजीशन और चेंज कर दूं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी, और चेंज कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। यही रीज़न है आप जितना ऊपर से किसी चीज़ को छोड़ते हो ना उतना जल्दी टूटती है वो। अगर आप अपने सेलफोन को थोड़ी सी हाइट से गिराओ तो नहीं टूटेगा, अपने सेलफोन को छत पर जाओ और गिरा दो तो टूटेगा। क्यों टूटेगा, छत पे से इतनी हाइट से फेंकोगे तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे उसकी ज्यादा हो जाएगी, और जब उसको छोड़ोगे तो बहुत तेज टकराएगा ग्राउंड से जिससे वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबको समझ में आ गई। फिर आते इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी।
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या होती है, नाम से क्लियर हो रहा है कि किसी चीज के एक्सटेंशन या कॉम्प्रेशन से जो उसके अंदर एनर्जी आती है, ठीक है ना, किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सटेंशन और कॉम्प्रेशन, सच एज इन अ स्प्रिंग कॉम्प्रेशन। अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक स्प्रिंग की अगर मैं बात करता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को एक्सटेंड करें, खींचें या उसको दबाएं, तो उससे जो उसके अंदर एनर्जी आती है उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको बच्चों हम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब इससे आगे देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है क्या बेसिकली, ये वैसे तो 12th में पढ़ोगे बच्चों आप, ये होती क्या है कि चेंज इन पोजिशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, या कह लो कि ये वो एनर्जी है जो किसी वजह से प्रोड्यूस होती है बेटा, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है ना, ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज्ड पार्टिकल, कि जब चार्ज्ड पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब जो उनके अंदर एनर्जी आती है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना, तो इस तरह के पार्टिकल्स जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उससे जो एनर्जी आती है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी उसको बोलते हैं, और ये हम 12th क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम ये दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ आप लोगों को देने वाला हूं, तो देखो, तो सबसे पहले आता है बच्चों ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नंबर 1 पे, ठीक है, क्या आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है बच्चों, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ग्रेविटी में पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो अभी डेफिनेशन तो बता दी थी आपको, अब इसका एक्सप्रेशन में डिराइव करने वाला हूं। तो देखो बच्चों, सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक, और ये कोई ब्लॉक रखा है बच्चों हमारे पास धरती के सरफेस पे यहां पे, जिसका मास कितना है बच्चों, एम, ठीक, एक ब्लॉक रखा है धरती के सरफेस पे जिसका मास एम है। अब बच्चा पार्टी, इसका मास तो m है लेकिन इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सबको पता है ग्रेविटी की वजह से इस पर लगेगी फोर्स, सबको पता है वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल पुल टुवर्ड्स द अर्थ, धरती इसको अपनी तरफ खींचेगी और वो इसका क्या होगा, वेट। तो इसका वेट नीचे एक्ट करेगा, w इज इक्वल टू एम जी, ठीक है जी, इसका वेट नीचे एक्ट करेगा विच इज w इज इक्वल टू एम जी। अब अगर बच्चों मैं इसको यहाँ से ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ से उठा के पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाना चाहता हूं, सच दैट के पॉइंट ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितनी है, एच, तो मुझे कुछ ना कुछ इस पे वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बच्चों मुझे इस पे करना पड़ेगा कुछ ना कुछ वर्क, अगर मैं इसको चाहता हूं यहां से यहां लेके जाना, ठीक है। सो अब मुझे इस पे वर्क करना पड़ेगा और फोर्स भी लगानी ही पड़ेगी, और कम से कम कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, अगर मैं इसको जीरो एक्सेलरेशन से ऊपर लेके जाना चाहता हूँ, जितना इसका वेट है, तो जितनी इसका वेट है उतनी ही फोर्स मुझे ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी कम से कम, जो होगी mg, जिससे मैं इसको यहाँ तक लेके आ सकूँ, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ी इस पर, जितना इसका वेट है मतलब mg, और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई बच्चों इसकी, h, तो कितना वर्क किया मैंने, कितना वर्क किया निकल जाएगा। सो वर्क डन बाय मी इन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी इज, तो वर्क डन क्या होगा, जितनी मैंने फोर्स लगाई मल्टीप्लाई बाय जितनी डिस्प्लेसमेंट थी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स कितनी है बच्चों, एम जी, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एच, तो यहां से वर्क आ गया बच्चों एम जी एच। तो दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट को बच्चा पार्टी एच हाइट तक लेके जाने पे के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा, mgh, और यही वर्क इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया, किसकी टर्म्स में, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में। सो दिस वर्क इज स्टोर्ड इन दैट बॉडी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की यहां से हो जाएगी mgh। पोटेंशियल एनर्जी को बच्चों हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल U से, ध्यान रखना है आपने। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी mgh, आई होप सबको समझ में आ गया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट। तो यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, बिना लाइक के मत भाग जाना, ठीक है।
अब बात हुई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, और इसके बाद बच्चों अब हम बात करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की। जैसे मैंने बताया कि दो ही टॉपिक हैं सिलेबस में एनर्जी के हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी के, ग्रेविटेशनल और इलास्टिक। अब मैं आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कराने वाला हूँ स्प्रिंग के केस में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, ऑफ ए स्प्रिंग। तो अब हम बच्चों एक स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हमने एक स्प्रिंग कंसिडर किया कि लेट देयर इज अ स्प्रिंग वूज वन एंड इज फिक्स्ड। ये एक स्प्रिंग है बच्चों, इसका एक एंड तो हमने फिक्स किया हुआ है और दूसरे एंड के साथ हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास m है। यहां तक समझ में आ गया, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसपे मैंने इसको रखा है। अब बच्चों अगर मैं क्या करूं, इस ऑब्जेक्ट को, इस ब्लॉक को पकड़ के खींचूं या दबाऊं तो उससे क्या होगा, हमारा स्प्रिंग या तो अगर खींचूंगा तो एक्सटेंड होगा, दबाऊंगा तो कंप्रेस होगा, और दोनों ही केस में स्प्रिंग में एनर्जी आएगी। तो सपोज मैं इसको एक्सपेंड करता हूं, क्या करता हूं, एक्सपेंड, एक्सटेंड करता हूं। जब मैं इस ब्लॉक को बच्चों इधर की तरफ खींचना शुरू करूंगा तो उससे क्या होगा, देखो कुछ ये होगा, तो जब मैं इस ब्लॉक को, ये जो मेरा ब्लॉक है जिसका मास m है, इस ब्लॉक को बच्चों इधर खींचूंगा, ठीक है, मान लिया मैं कितनी फोर्स लगा रहा हूं यहां पे, इसको खींच रहा हूं f फोर्स से, तो स्प्रिंग मेरा खींचेगा, इससे स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी आएगी, उसे बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और उसी का एक्सप्रेशन हमें निकालना है। तो ये इस स्प्रिंग की बच्चों मेन पोजिशन थी, ये क्या है इसकी मीन पोजीशन। तो इसको मैं मान लेता हूं x इक्वल टू जीरो, यहां पे मेरे मीन पोजीशन पे x कितना है, डिस्टेंस जीरो। अब मैं इसको सपोज मैंने एक्सपेंड किया, और मैं कहां तक ले आया इसको एक्सपेंड करता करता, x डिस्टेंस तक। तो यहां तक लाने में मुझे कितना वर्क करना पड़ा, क्यों वर्क क्यों करना पड़ेगा, अब ये देखो, जब मैं इस बच्चों इस स्प्रिंग को खींचूंगा, प्रैक्टिकली सोच के देखो, आप लोगों ने कभी ना कभी कोई स्प्रिंग को खींचा है, कॉम्प्रेस तो किया ही होगा। तो जब मैं स्प्रिंग को खींचूंगा तो मैं तो इधर खींच रहा हूं, ये तो इस स्प्रिंग में एक अपोजिट फोर्स सेटअप होगी जिसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, जो इसको इधर जाने से रोकेगी। इस तरफ एक फोर्स सेटअप होगी बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में, जिसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया बच्चों, मैं स्प्रिंग को इधर खींच रहा हूं और स्प्रिंग के अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स सेटअप हो रही है जिसे बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। वो फोर्स स्प्रिंग को वापस लाना चाहती है, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड चीज है। देखो आपने कभी ना कभी किसी स्प्रिंग को खींचा होगा, आप स्प्रिंग को इधर खींच रहे हो, आप महसूस करते हो कि स्प्रिंग आपको वापस खींच रहा है। स्प्रिंग का एग्जांपल छोड़ो, आपने गुलेल तो चलाई होगी, जब आप गुलेल चलाते हो तो क्या होता है, आपने गुलेल में पत्थर रखा, आप गुलेल से ऐसे खींचते हो, जब आप इधर खींच रहे होते हो तो क्या आपको एक फोर्स महसूस होती है जो आपके हाथ को वापस लेके जा रही है, वो फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है। आप इधर खींच रहे हो, एक फोर्स इधर लेके जा रही है विच इज रिस्टोरिंग फोर्स। जितना ज्यादा इधर खींचोगे रिस्टोरिंग फोर्स, उतनी ज्यादा लगानी पड़ेगी, है ना, किसी चीज को इतना, किसी रबड़ को जितना ज्यादा इधर खींचोगे रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा सेटअप होगी, जितना ज्यादा दूर खींचोगे उतनी ज्यादा जोर से आपको खींचना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो, या कह सकते हो कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे सेट हो रही है बच्चों, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन। जितना ज्यादा दूर तक खींचोगे रिस्टोरिंग फोर्स उतनी ज्यादा सेटअप हो जाएगी। तो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो यहां से प्रोपोर्शनैलिटी जब हटेगी बच्चों तो एक कांस्टेंट आएगा माइनस के, ठीक है। यहाँ पे जो एक कांस्टेंट है के, इसे बोला जाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों स्प्रिंग के केस में से, स्प्रिंग कांस्टेंट। अगर हमारा स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट है तो इस कांस्टेंट की वैल्यू बहुत कम होती है, अगर हमारा स्प्रिंग बहुत हार्ड है, स्टिफ है, टाइट है, मतलब उसको मूव करना इतना आसान नहीं है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हो, तो एक रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होगी विच इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जितना ज्यादा उसकी पोजीशन में चेंज आएगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी। सो एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स,
यहाँ से आ गया माइनस के kx, और माइनस का साइन दिखाता है कि रिस्टोरिंग फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगी बच्चा पार्टी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मैं इधर खींच रहा हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स इधर खींच रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। तो एफ इज इक्वल टू माइनस के kx, इतनी रिस्टोरिंग फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे कभी भी लगेगी। अब हमें निकालनी है एनर्जी, तो जो एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली बच्चों, वो क्या होने वाली है कि इसको खींचने में हमने जो वर्क किया, इस ब्लॉक को खींचने में हमने जो वर्क किया, उस वर्क को ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि जब मैं इसको खींचूंगा तो मुझे रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क इस ब्लॉक में इस टाइम पे स्टोर हो जाएगा इन द टर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो वो पोटेंशियल एनर्जी फिर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एकदम से जाएगा। देखो अगर मैं इसको पकड़ के खींचता हूँ, जैसे ही छोड़ता हूँ तो क्या होगा, ये इधर की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो वर्क कर रहा हूँ वो इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जा रहा है, स्टोर होता जा रहा है। जैसे ही छोड़ूंगा वो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम बेसिकली वर्क डन निकालेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सटेंड करने में जो करना पड़ता है। तो देखिए कैसे निकलेगा वर्क डन। तो मैंने माना, सपोज मैं इसको जब खींच रहा था तो मैंने इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दी dx, कि मैं जब इसको खींच रहा था तो मीन पोजीशन से मैं इसको खींचता खींचता यहां तक ले आया सपोज, और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है सपोज स्मॉल dx। तो जो स्मॉल वर्क डन होगा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, वो क्या होने वाला है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहां बच्चों फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा खींचोगे फोर्स बढ़ती जाएगी। तो हमारी जो फोर्स है ना बच्चों, वो यहाँ पे वेरिएबल है। कैसी है फोर्स बच्चों? यहाँ पे वेरिएबल, क्योंकि फोर्स चेंज हो रही है जितना ज्यादा मैं खींच रहा हूँ। तो मैंने माना कि मैंने जब इसको थोड़ा सा खींचा, थोड़ा सा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दी, तो उसके लिए लगभग मेरी फोर्स कॉन्स्टेंट रही। तो उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो मेरा स्मॉल वर्क आएगा डी डब्ल्यू, दैट इज फोर्स इंटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, यही आएगा। तो ये मेरा स्मॉल वर्क डन आया है। फर्दर ये स्मॉल वर्क डन यहां से बच्चों बन जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू रख दी मैंने माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, यही आएगी माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। क्योंकि यहां हमने क्या कहा है कि सपोज यहां पे इस टाइम पे इस पे फोर्स एक्स लग रही थी, और मैं इसको थोड़ा सा और मूव कर देता हूं यहां तक, तो अगर आप ध्यान से देखो तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की हुई है डी एक्स, तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो स्मॉल वर्क हुआ है दैट इज एफ डॉट डी एक्स, और फोर्स लगभग मैंने माना यहां से यहां तक जाने में कोई खास चेंज नहीं हुई, वो एफ ही रही। तो एफ की वैल्यू रख दी यहाँ माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। तो ये स्मॉल वर्क डन बच्चों आ गया माइनस के एक्स डी एक्स। लेकिन हमें निकालना है टोटल वर्क डन। अब आपको पता है फिजिक्स में हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। अगर हमें थोड़ी चीज दी है उससे बहुत बड़ी चीज निकालनी है तो वहां हम यूज करते हैं बच्चों इंटीग्रेशन। क्या यूज करते हैं? इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं बच्चा पार्टी, अब इंटीग्रेशन करने वाले हैं। मैं इस टर्म की क्या कर दूंगा, स्मॉल वर्क की इंटीग्रेशन, और मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा। देखो कैसे, तो टोटल वर्क के लिए मुझे स्मॉल वर्क की बच्चों क्या करनी पड़ेगी, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। और लिमिट्स क्या होंगी, जीरो, कि जब ये मूव नहीं कर रहा था यहां पे x इक्वल टू जीरो से लेके x तक, मतलब मैं सपोज यहां से लेके यहां तक का वर्क निकालना चाहता हूं, कि जब मैं इसको खींच के यहां से यहां ले गया तो मैं लिमिट क्या रखूंगा, जीरो टू x, ठीक है। अब अंदर वैल्यूज रख दो, तो जब अंदर वैल्यूज रखूंगा तो मेरे पास बच्चों क्या आएगा, यहां से मैं इधर सोल्व कर देता हूं इसको, तो ये बनेगा बच्चों वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू x, स्मॉल वर्क की वैल्यू रख दो माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। अब कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकाल लो, माइनस के बाहर आ गया, अंदर रह गया इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू एक्स एक्स डी एक्स। अब बच्चों इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबने पढ़ा है, इससे पहले के टॉपिक्स में भी बताया है आपको कि अगर x की पावर n डी एक्स ये हो, इसकी इंटीग्रेशन करनी हो तो कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन जब सोल्व करते हैं तो पावर बढ़ जाती है, तो n है तो यहाँ n प्लस वन हो जाएगा, और यही चीज नीचे लिखी जाती है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, यहाँ x की पावर वन है, n की बजाय यहाँ क्या है बच्चों वन, तो इसकी इंटीग्रेशन जब सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, माइनस के x की पावर वन प्लस वन, और यही चीज मैं नीचे लिख दूंगा, और लिमिट है जीरो टू x, तो आपके पास बच्चों वर्क डन आ जाएगा माइनस के ये बनेगा एक्स स्क्वेयर बाय टू, वन प्लस वन टू होते हैं, और लिमिट क्या है बच्चों जीरो से x। तो एक बार यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार x की जगह x रखेंगे, एक बार x की जगह जीरो रखेंगे, तो जब मैं लिमिट पुट करता हूँ तो बच्चों हमें क्या मिलेगा, लिमिट पुट करके
वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के, के एक बार तो x की जगह x रखा तो एक्स स्केयर बाय टू, माइनस एक बार x की जगह जीरो रखा तो जीरो का स्केयर बाय टू। सो वर्क डन यहां से बच्चों आ गए जीरो बाय टू, तो जीरो हो गया, तो माइनस के k इंटू एक्स स्केयर बाय टू माइनस जीरो। तो इसका मतलब बच्चों वर्क डन जो आपका आने वाला है दैट इज माइनस के हाफ के एक्स स्केयर। सो दिस इज द वर्क डन बाय रिस्टोरिंग फोर्स, कि अगर मैं एक्स डिस्टेंस तक इसको मूव करवाता हूं तो रिस्टोरिंग फोर्स जो वर्क करेगी दैट इज माइनस हाफ के एक्स स्केयर स्प्रिंग पे, ठीक है। अब यही वर्क डन इसके अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो यहीं से हमें पता लग गया कि इलास्टिक, अब एनर्जी कभी नेगेटिव तो होती नहीं, तो नेगेटिव साइन नेगलेक्ट कर देंगे, तो इसका मतलब हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है, हाफ के एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग के केस में बच्चों इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होने वाली है, हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन ऑफ द स्प्रिंग, इससे डिस्प्लेसमेंट। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया। तो आज हमने ये टॉपिक्स डिस्कस किए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, कितनी तरह की होती है, और हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ भी किया, डेरिवेशन भी की। आई होप सबको पसंद आई होगी आज की वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में भी ज़रूर लिखना, कोई भी डाउट है बेटा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, धन्यवाद।